नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, जो इस देश को रोजगार देती है, उस रीढ़ की हड्डी को इन्होंने तोड़ दिया है। और आज मैं महीनों से कह रहा हूं, और जो हमारे युवा हर रोज सुबह दौड़ते हैं, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, फोर्सेस में भर्ती होने के लिए दौड़ते हैं, उनसे मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है, और ये देश अपने युवाओं को अब रोजगार नहीं दे पाएगा। चाहे सरकार कुछ भी कर ले, ये देश अब अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। 2-3 बड़े उद्योगपतियों को नरेंद्र मोदी जी ने देश पकड़ा दिया है। ये 2-3 उद्योगपति देश को रोजगार नहीं दिलवा सकते हैं। और अब जो आखिरी रास्ता था युवाओं के लिए, जो आखिरी रास्ता था देशभक्ति का, आर्मी का, फोर्सेस का, उस रास्ते को इन लोगों ने बंद कर दिया है। वन रैंक वन पेंशन की बात करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन। अब आप दौड़ो, सुबह दौड़ो, आर्मी में भर्ती हो और फिर घर जाओ। और याद रखना, जब आप घर जाओगे, मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जब आप घर जाओगे आर्मी के बाद घर जाओगे, आपको कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। दूसरी तरफ आज चाइना की सेना हिंदुस्तान की धरती में बैठी हुई है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन चाइना की सेना ने हमसे छीनी है। ये सच्चाई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार ने एक्सेप्ट किया है। सेना को मजबूत करना चाहिए और सरकार सेना को कमजोर कर रही है, और इसका नतीजा आएगा। जब युद्ध होगा तब इसका नतीजा आएगा। और मैं याद रखिए जो बात बोल रहा हूं, जब युद्ध आएगा हमारी जो आर्मी है उसको कमजोर कर रहे हैं ये लोग। देश का नुकसान होगा और ये लोग अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं। तो ईडी का मामला छोटा सा मामला है, उसको छोड़िए। सबसे जरूरी बात, ये जो हमारे युवा हैं, जो हर रोज, ये देशभक्ति के एक चिन्ह है, हर प्रदेश में ये सुबह 4 बजे दौड़ते हैं, इनके भविष्य की रक्षा करना हमारा काम है, हमारा फर्ज, ये हमें करना है। और हमने कहा है, देखिए, किसानों के बारे में मैंने कहा था मोदी जी को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे, कहा था ना मैंने, लिया ना वापस। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है नरेंद्र मोदी जी को ये जो नया अग्निपथ का स्कीम है इसको वापस लेना पड़ेगा। और हिंदुस्तान का हर युवा हमारे साथ इस काम में खड़ा मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का युवा जानता है कि सच्ची देशभक्ति सेना को मजबूत करने की होती है, सेना को कमजोर करने की नहीं होती है। आपने मुझे इतनी शक्ति दी, मैंने बोला आपको कि पिछले 5 दिन आप सब मेरे साथ ईडी में बैठे थे, सबके सब, हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, सबके साथ आप मेरे साथ बैठे हुए, आपने मेरी मदद की, आपने मुझे अपना प्यार दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक साथ मिलकर ये जो नया धोखा किया है नरेंद्र मोदी जी ने सेना के साथ, देश के साथ, इसको हम रद्द करवाएंगे। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।